हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ग्राफिक कार्ड्स क्या है, ये काम कैसे करता है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो आइए जानते हैं क्या है ग्राफिक कार्ड। दरअसल आज के समय टेक्नोलॉजी में काफ़ी बदलाव आ गया है। आपको एक से बढ़कर एक कंप्यूटर मिलने लगे हैं। अगर आप कोई नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेना चाहते हो, तो आपने देखा होगा कि हाई ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप साधारण लैपटॉप की तुलना में थोड़े महंगे होते हैं। हालांकि ग्राफिक्स सभी कंप्यूटर और लैपटॉप में आते हैं, लेकिन इसमें मेमोरी का अंतर आ जाता है। अगर आप साधारण ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हैं, तो आपको लैपटॉप सस्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 2 GB मेमोरी या इससे ज़्यादा का ग्राफिक्स कार्ड के साथ लैपटॉप खरीदते हैं, तो आपका लैपटॉप महंगा मिलेगा। तो आप इस महंगाई की वजह से जानना चाहते होंगे कि आखिर ग्राफिक्स कार्ड क्या है और ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप में इतना फ़र्क क्यों पड़ता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड या हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, जो आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप के अलावा स्मार्टफोन में भी आता है। कंपनी की तरफ से लैपटॉप या कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इनबिल्ट एक कार्ड आपको मिल जाता है। अगर आप चाहें तो बाजार से लेकर एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड भी अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। हालांकि स्मार्टफोन में ग्राफिक कार्ड आप अलग से एक्सटर्नल नहीं जोड़ सकते। अब जानते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड का क्या काम होता है। ग्राफिक कार्ड का असली काम होता है कि ग्राफिक कार्ड आजकल किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में हाई ग्राफिक कार्ड होना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सभी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में गेमिंग या प्रोसेसिंग काम करना चाहते हैं और इसके लिए इस कार्ड का होना ज़रूरी है। अगर आपको गेमिंग का बहुत शौक है, इसके अलावा आप अपने लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग के बड़े सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो या फिर कोई VFX इफेक्ट बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता ही होगा कि ग्राफिक कार्ड हर कंप्यूटर या लैपटॉप में होता है, लेकिन वो साधारण ग्राफिक कार्ड होते हैं जो किसी वीडियो को अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन आप साधारण ग्राफिक कार्ड में एडिटिंग के बड़े सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। पहले तो बड़े सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल ही नहीं होंगे। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो भी जाता है, तो आपका लैपटॉप हैंग होने लग जाएगा। जब आपके लैपटॉप में हाई ग्राफिक्स कार्ड होता है, तो उसका काम बड़े सॉफ्टवेयर को अच्छे से रन कराना होता है। क्योंकि बड़े ग्राफिक कार्ड में मेमोरी होती है, तो इसका प्रयोग करने से आपके लैपटॉप की रैम फ्री हो जाती है। इस तरह से आपका लैपटॉप अच्छे से काम करता है। आम भाषा में गए तो ग्राफिक्स कार्ड का काम कंप्यूटर में चल रहे वीडियो गेम और एडिटिंग सॉफ्टवेयर को और भी अच्छे तरीके से चलाना होता है। तो अब आप जान गए होंगे कि ग्राफिक्स कार्ड क्या है, ग्राफिक कार्ड किस तरह से काम करता है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिना ग्राफिक्स कार्ड के लैपटॉप में गेम चलाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो यही था आज ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।